कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी समेत कई कांग्रेसी नेताओं का ट्विटर अकाउंट ब्लॉक होने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। कांग्रेस ट्विटर के साथ साथ मोदी सरकार पर पूरी तरह से हमलावर हो गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अब अपनी बात रखने के लिए इंस्टाग्राम का सहारा लिया है। इंस्टाग्राम पर एक ताजा पोस्ट में राहुल गांधी ने लिखा, डरो मत, सत्यमेव जयते। अगर किसी के प्रति दया या सहानुभूति दिखाना क्राइम है तो मैं अपराधी हूँ। अगर रेप मर्डर पीड़ित के लिए न्याय मांगना गलत है तो मैं दोषी हूँ। वे हमें एक प्लेटफॉर्म पर लॉक कर सकते हैं, लेकिन वे लोगों के लिए उठने वाली हमारी आवाज को बंद नहीं कर सकते। दया, प्यार, न्याय का संदेश वैश्विक है। इससे पहले एक दूसरे पोस्ट में भी राहुल गांधी ने मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया था। राहुल ने लिखा था, मेरी जंग इस डर के खिलाफ है। जहां भी मैं जाता हूं, वहां नफरत के खिलाफ आवाज उठाता हूं। दूसरी पार्टियों और कांग्रेस में यही फर्क है कि हम लोग किसी से नफरत नहीं करते, हम किसी के खिलाफ हिंसा का प्रयोग नहीं करते। वहीं दूसरी ओर ट्विटर के इस एक्शन से भड़के कांग्रेस नेताओं ने मैं भी राहुल गांधी मुहिम छेड़ दी है। प्रियंका गांधी वाड्रा समेत कई कांग्रेस नेताओं ने अपने ट्विटर के प्रोफाइल में राहुल गांधी की डीपी लगा दी है। कई नेताओं ने तो अपने ट्विटर हैंडल का नाम ही राहुल गांधी कर दिया है। कांग्रेस के इतने नेताओं के अकाउंट बंद करके ट्विटर ने लोकतंत्र की हत्या के लिए बीजेपी संग साठगांठ कर ली है। आगे प्रियंका गांधी ने लिखा, ट्विटर कांग्रेस के अकाउंट्स को सस्पेंड करने के लिए अपनी पॉलिसी अपना रहा है या मोदी सरकार की। यूथ कांग्रेस के नेता श्रीनिवास बीवी ने लिखा, तुम्हारी हर दादागिरी का जवाब गांधीगिरी से हम देते रहेंगे। तुम्हें जिस चेहरे से सबसे ज्यादा डर लगता है वही बनकर जनता की आवाज बनते रहेंगे। कांग्रेस का दावा है कि ट्विटर ने उनके करीब 5,000 नेताओं के अकाउंट को ब्लॉक कर दिया है। दरअसल ये विवाद राहुल गांधी के शेयर की हुई एक तस्वीर को लेकर है। राहुल ने दिल्ली में रेप और मर्डर की शिकार 9 साल की बच्ची के परिवार से मुलाकात की तस्वीर ट्विटर पर साझा की। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने इस पर संज्ञान लेते हुए कहा कि कांग्रेस नेता की इस हरकत से पीड़ित के परिवार की पहचान उजागर हुई है और ट्विटर इस पर कार्रवाई करे। कुछ ही देर बाद ट्विटर ने राहुल गांधी का अकाउंट ब्लॉक कर दिया। बाद में राहुल के इस पोस्ट को साझा करने वाले कई और नेताओं समेत कांग्रेस पार्टी का आधिकारिक ट्विटर अकाउंट भी ब्लॉक कर दिया गया, जिसके बाद से कांग्रेस ट्विटर और मोदी सरकार के खिलाफ लगातार हमलावर है। बहरहाल इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म TV9 भारतवर्ष। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, दो गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।